नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है देव सागर। आज हम जानेंगे राधिका आप्टे बायोग्राफी, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। राधिका आप्टे एक भारतीय अभिनेत्री और स्टेज कलाकार है। राधिका हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी सक्रिय अभिनेत्री है। राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर 1985 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। राधिका के पिता का नाम डॉक्टर चारुदत्त आप्टे है, जो कि पुणे के मशहूर न्यूरो सर्जन में से एक है। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपको ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। राधिका आप्टे ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पुणे से पूरी की। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई भी पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से की है। राधिका ने अपना ग्रेजुएशन मैथ्सर और इकोनॉमिक्स से किया है। आप्टे 4 फिल्में करने के बाद कंटेम्पररी डांस सीखने के लिए लंदन के ट्रिनिटी लाबान संगीत विद्यालय चली गई। वर्ष 2012 में राधिका ब्रिटिश संगीतकार बेनेडिक्ट टेलर के साथ विवाह के बंधन में बंध गई। आप्टे की मुलाकात टेलर से लंदन में हुई जब वे वनहा कंटेम्पररी डांस की शिक्षा लेने गई थी। राधिका ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी से की थी। हालांकि फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था। राधिका आप्टे फिल्मों के अलावा थिएटर भी करती थी। उनके थिएटर के दौरान एक्टर राहुल बोस ने अनीता ओबराय के प्ले बॉम्बे ब्लैक में देखा। हुल को आप्टे की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म अंतहीन के निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी से आप्टे को फिल्म में लेने की गुजारिश कर डाली। फिल्म अंतहीन में राधिका आप्टे के अलावा शर्मिला टैगोर, अपर्णा सेन, रहल बोस भी नजर आए थे। राधिका आप्टे अक्षय कुमार के साथ फिल्म पैडमैन में भी नजर आई है, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी सराहना हुई। अगर आप राधिका आप्टे के फैन हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधिका ने अब तक कई मराठी नाटकों 60 फिल्मों में काम किया है। आप्टे अनुराग कश्यप और सुजॉय घोष की 60 फिल्म्स में बतौर लीड एक्ट्रेस भी नजर आ चुकी हैं। अगर हम इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनके पिता पुणे शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन होने के साथ साथ सह्याद्री हॉस्पिटल के चेयरमैन भी है और इनकी मम्मी एक गृहिणी है और उनकी शिक्षा पुणे के ही फर्ग्यूसन कॉलेज से हुई है। राधिका आप्टे के पेरेंट्स ने उन्हें फिल्म लाइन में आने और इसमें काम करने के लिए हमेशा ही सपोर्ट किया है। राधिका आप्टे की फिल्म फोबिया और इसमें उनके अभिनय दोनों को ही सभी के द्वारा बहुत सराहा जा रहा है। इस फिल्म की तारीफ कई जाने माने लोगों जैसे करण जौहर, शब्बीर खान आदि ने सोशल मीडिया में खुलकर की है और राधिका आप्टे के अभिनय को भी सहारा है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें और लोगों को भी इसकी जानकारी दें। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।